अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। हेलो एंड नमस्कार, आज मैं हूँ आपके बीच में अनिल सर के साथ में। और अनिल सर, कैंडिडेट की जो कई जनरल क्वेरीज होती है, तो आज हम जो है उसको शॉर्ट आउट करने का एक एफर्ट करते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके बारे में उनको हमेशा डाउट्स रहते हैं, एंड नॉर्मली या तो वो उसको ये कभी भी अनाउंस हो जाते हैं। और एक बात और है, वी आर नॉट टारगेटिंग वन स्टेट। हो सकता है आप पंजाब के रहने वाले हो, आप यूपी टारगेट कर लो। ऑल डिपेंड्स ना कि आपकी नॉलेज कितनी है। इसीलिए आई ऑलवेज ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, जल्दी ज्वाइन करो। संस्कृत का एक श्लोक है कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में पढ़ ले हो गई तो बहुरी करेगो कब। तो जब आपका टारगेट फिक्स है कि मुझे जज ही बनना है, एक तो होता है कि टारगेट फिक्स नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मेरा यहाँ पर ये मानना है कि जिन स्टूडेंट का ये टारगेट फिक्स है कि आपको जुडिशरी के अंदर जाना है या एडवोकेसी के अंदर भी जाना है, तो भी एक बार जुडिशरी की तैयारी जरूर करो। क्योंकि देखो, या तो आप बार के मेंबर बनोगे या बेंच के मेंबर बनोगे, दोनों ही केस में नॉलेज तो चाहिए। ये ऐसा पर्वत है, ऐसा हिमालय है, जिसपे चढ़ना सीख गए ना तो किसी और पर्वत पे चढ़ने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए सवाल का आंसर है यस, हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अभी जितना फ्री माइंड से एलएलबी के साथ इसकी तैयारी करोगे ना, हमेशा बेहतरीन होता है। Yes. तो बिल्कुल इसके बारे में हमारा आंसर सर कहीं कहीं अफर्मेटिव है, यस करना चाहिए।
अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट।